गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर बनाऊंगी। चैप्टर नेम है व्हाई हिप्पोज हैव नो हेयर। ये क्लास 2 की बुक है। न्यू ट्री टॉप अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इन इंग्लिश। बच्चों, ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग जरूर इसको देखें। इसका क्वेश्चन आंसर मैंने कॉपी में बनाया है। व्हाई डिड रैबिट स्टे आउट ऑफ हिप्पोज वे। सेकेंड क्वेश्चन, हु स्टेप्ड ऑन रैबिट्स फुट। व्हाई डिड रैबिट गो टू फायर। व्हाट डिड रैबिट आस्क फायर टू डू। व्हाट डिड फायर टू डू डू टू हिप्पो। व्हाई डज हिप्पो नॉट गो फार फ्रॉम द रिवर सिंस देन। और इसका एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ट्री टॉप इंग्लिश बुक क्लास 2 चैप्टर 8 व्हाई हिप्पोज हैव नो हेयर। Answer this question. Question number 1. Why did rabbit stay out of hippo's way? Rabbit जो है hippo's के रास्ते से क्यों दूर रहा? Rabbit was afraid of hippo because hippo was a big and dangerous animal. Rabbit जो है hippo से डरता था क्योंकि hippo जो है बहुत बड़ा और डेंजरस एनिमल था, यानी कि खतरनाक जानवर था। सो द रैबिट स्टेड आउट ऑफ हिज वे। इसलिए रैबिट जो है उसके रास्ते से दूर रहता था। क्वेश्चन नंबर 2, हु स्टेप्ड ऑन रैबिट्स फुट। कौन जो है मतलब रैबिट के फुट पर कदम रखा था। द आंसर इज हिप्पो स्टेप्ड ऑन रैबिट्स फुट। हिप्पो ही जो था जो रैबिट के पांव पर अपना कदम रख दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड रैबिट गो टू फायर। रैबिट जो है फायर के पास आग के पास क्यों गया था। रैबिट वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन हिप्पो। रैबिट जो है वो हिप्पो से बदला लेना चाहता था। सो ही वेंट टू द फायर सो डैट ही कुड बर्न हिप्पो, ताकि हिप्पो को आग जो है जला सके। और आग ने भी वैसा ही किया जैसा रैबिट ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड रैबिट आस्क फायर टू डू। द आंसर इज रैबिट आस्क द फायर टू बर्न द हिप्पो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड फायर टू डू हिप्पो, यानी कि आग ने क्या किया हिप्पो के साथ। द फायर ट्राइड टू बर्न द हिप्पो ड्यू टू विच ऑल द हेयर ऑफ द हिप्पोस बॉडी वॉज बर्न्ड। यानी कि आग ने हिप्पो के साथ क्या किया। आग ने हिप्पो को जलाने की कोशिश की जिसके कारण हिप्पो के शरीर के सारे बाल जल गए और जलने के बाद झड़ गए। और इसमें था व्हाई डिड रैबिट आस्क फायर टू डू। रैबिट ने आग से क्या करने के लिए कहा। रैबिट आस्क द फायर टू बर्न द हिप्पो। रैबिट ने आग से ये कहा कि वो हिप्पो को जला दे। व्हाई डज हिप्पो नॉट गो फार फ्रॉम द रिवर सिंस देन। तब से हिप्पो जो है रिवर से मतलब दूर क्यों नहीं गया, रिवर के पास ही रहता था, नदी के पास ही रहता था। Since then, Hippo did not go far from the river because he was afraid that the fire may get him again. मतलब तब से हिप्पो जो है नदी से ज्यादा दूर नहीं गया क्योंकि उसे डर था कि आग उसे दोबारा ना पकड़ ले। चैप्टर 8, Why Hippos Have No Hair, वर्ड मीनिंग डेंजरस, खतरनाक। बैंक, किनारा, नदी का किनारा होता है ना, बैंक मतलब किनारा होता है। स्टेप, कदम। नोटिस, सूचना या ध्यान देना। पर्पस, उद्देश्य। फ्लेम्स, आग की लपटों। स्टे, ठहरना या रहना। हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा जिसको बोलते हैं हिप्पो।